हे गाइस नमस्ते आदाब एंड सत श्रीकाल वेलकम बैक टू बी माय लिमिट्स सो कैसे आप लोग हो पा? आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे सुरक्षित होंगे अपने घर पर होंगे यस आज आई एम एट माय होम सो यस आज हाँ सबसे पहले मैं एडवांस में सबको बोलना चाहती हूँ ईद मुबारक ईद मुबारक आप सब लोग को uh, बहुत मिस कर रही हूँ मैं अपने फ्रेंड्स को और इस और और एक चीज़ आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि मैं हैदराबाद में रहती हूँ तो यस हैदराबाद में कब से कल से कल यानी ट्वेल्थ ट्वेल्थ में से लॉकडाउन है टेन डेज़ का सो यस एज यूजल ना हम कहीं जा सकते हैं ना कोई हमारे घर आ सकता है और बस ऐसे ही दस दिन बीतेंगे तो हम कहीं जा नहीं सकते आ नहीं सकते और ये दस दिन के लॉकडाउन में एज यूजल हम बोर होते रहेंगे वैसे हम एक साल से ज़्यादा से हम बोर ही हो रहे हैं घर में बैठे 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 ना कहीं जाओ ना कहीं आओ तो यस yes, तो लॉकडाउन का पालन करते हुए इस बार की ईद पे हम अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएंगे और उस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे बहुत बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हमें शेर खुरमा खाने को मिलता था Hmm, बिरयानी खाने को मिलती थी और 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 भी बहुत कुछ बनाती थी मम्मियाँ उनकी तो या वो सारी चीज़ें मैं बहुत मिस करूँगी इस साल इस साल कुछ नहीं मिलेगा हमें खुद ही घर में बैठ के जो पकाया खाया वही करना पड़ेगा और पता है और एक चीज़ आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और जिसकी वजह से होप कि हमें वो बोलते ना देखो चांद आया चांद नजर आया वो वाला गाना गाने को शायद नहीं मिलेगा हमें क्योंकि यू you नो know, मतलब पूरे बादल बादल हैं मैं गई थी अभी थोड़ा टेरेस पे क्योंकि वो होता है ना बहुत सारा काम कर लो एंड दिन भर घर में रहो तो अजीब सा होने लगता है तो थोड़ी बाहर की हवा चाहिए उसके लिए मैं बाहर नहीं एग्जैक्टली जा सकती बट एटलीस्ट अपने टेरेस पे जा सकती हूँ तो मैं टेरेस पे गई थी थोड़ी हवा लेने तो कि हवा क्या लेती हव उसके साथ साथ बारिश भी हो रही थी तो ऑबियसली बात है बारिश हो रही है तो यू नो पूरे बादल बादल रहेगा क्लाउडी वेदर है बाहर तो जिसकी वजह से हमें चाँद नहीं दिखेगा बट आई नो कि मतलब लोगों को पता चल गया है और uh, चाँद लोगों को दिख गया होगा तो ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक आप लोग घर पर रह के बहुत ही अच्छी तरह से अपनी फैमिली के साथ ईद मनाइए और हो सके तो हमें भी थोड़ा कुछ ला के दे दो ना बहुत बहुत मन कर रहा है शेर खुरमा शेर खुरमा लोग बोलते हैं खाने को लेकिन वो तो पीने जैसा होता है हम लोग तो बोलते हैं लोग शेर खुरमा खाना शे खुरमा खाना बट शेर खुरमा इज़ नॉट खाना शेर खुरमा इज़ काइंड ऑफ पीना उसको पीते हैं यू तो उसको मैं बहुत मिस करूँगी जनरली और क्या बोलूँ मैं आपसे यही बताना था मुझे आपको और एक चीज़ आ, वो सस्पेंस है वो मैं थोड़ी देर में खोलूँगी बट सी आज मैंने छः बजे तक अपना ऑफिस का काम किया और उसके बाद मैं अपने आ, क्या बोलते आज कुछ है स्पेशल तो मेरी बेटी ने मुझसे ये बताया है मेरी डॉटर मुझे बोल रही कि मुझे ये खाना है मुझे वो खाना है मुझे फलाना खाना है मुझे डिमका खाना है और वो खाना खाना है बोल के तो मैंने कहा चलो ठीक है अब छः बजे तक बताओ आप ही बताओ ऑफ़िस के काम में माथा अपना फोड़ो और उसके बाद किचन में घुसो बावर्ची का काम करने के लिए सो so, मैं एक्चुअली ये बताने का मेरा रीज़न ये है कि हैट्स ऑफ है मेरा हैट्स ऑफ सल्यूट है मेरा उन लेडीज़ को जिनको सैलरी तो नहीं मिलती है घर का काम करने की आई एग्री बट वो अपने घर का सारा काम करती हैं घर को नीट रखती हैं सारी चीज़ें जगह पे रखती हैं खाना बनाती हैं अच्छे अच्छे खाना बनाती हैं यू नो फ्रिज मेनली रेफ्रिजरेटर को अपने बहुत ही हमें वो यू नो ऑर्गेनाइज करके लोग रखते हैं जो मुझे मिलता नहीं है टाइम ऑर्गेनाइज करके रखने का <laughs> तो मैं uh, मतलब घर में रह के और घर को ठीक रहना इज नॉट ए जोक तो जैसे अब हमारे पास टाइम नहीं है तो हम बस अपना नॉर्मल रूटीन वाला काम करते हैं और कभी फुर्सत में कभी टाइम मिला तो हम अपना यू you नो know, कुछ काम वाम कर लेते हैं मतलब थोड़ा क्लिनिंग का अदरवाइज बस ऊपर ऊपर कर लो एंड देन बैठ जाओ ऑफिस का काम करने तो मतलब एक तरह से हम ऑफिस का काम करते इसलिए हम नहीं कर पाते बट एट द सेम टाइम जो लोग जो लेडीज घर में रहती हैं और सारा काम करती है हार्ट सॉफ यार मतलब वो भी काम करती हैं मेरे कहने का मतलब है कि वो घर में बैठी नहीं है वो घर में रहकर वो घर का काम करती हैं बच्चे संभालती हैं और सिर्फ काम ही नहीं करती अपने घर को नीट क्लीन ऑर्गेनाइज भी रखती हैं और घर को नीट क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखना इज नॉट अ जोक दैट इज वाई हेड्स ऑफ टू ऑल द लेडीज हु स्टेज एट होम एंड कीप देयर होम नीट एंड टाइडी सो या दैट्स दैट्स रियली कमेंडेबल जॉब दे टू और इसके लिए श्योरली उनको सैलरी मिलनी चाहिए तो प्लीज़ आपने अपने हस्बैंड से बोलिए कि हर महीने आपके अकाउंट में जमा करें कुछ अमाउंट तो तो अभी मैं छः बजे जब मेरा ऑफिस का भी काम हुआ तो मैं बताती हूँ आपको चलो आपको मैं दिखाती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है यू you नो know? मैंने क्या क्या बनाया है तो वो हम एज अ डिनर वो हमारा डिनर है तो बट मैं ज़्यादा वो सब नहीं खाती एज मस्ट भी यू मस्ट भी अवेयर ऑफ कि मैं वो सब नहीं खाती ज़्यादा बट uh, मैंने बेडी के लिए स्पेशली बनाया है तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी मैंने क्या क्या बनाया है और बीच बीच में ना लाइट जा रही थी जब मैं बना रही थी तो मैं इसलिए मैं उस वक्त ब्लॉगिंग नहीं कर पाई यही मेरा रीज़न था कि मैं आपको अपनी कुकिंग नहीं दिखा पाई बट uh, लाइट जा रही थी बार बार तो मैं क्या करूँ मैं पकाऊँ या मैं ब्लॉगिंग करूँ या फिर यू नो टॉर्च वगैरह देखे हम तो ऐसा हुआ तो अभी चलो मैंने क्या क्या बनाया आपको दिखाती हूँ और क्यों बनाया रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ तो चलते हैं देखते हैं तो ये देखो परी के लिए मैंने बनाया है ये सैंडविच तो सैंडविच में हमने कट नहीं किया है अभी मैडम जी देखो बाद में कट करेंगी अपना और ये है देखो हिमालय ये हमारा हिमालय है देखो ये किसने बनाया हिमालय परी ये परी ने बनाया हिमालय <laughs> और ये परी के हैं थोड़े मेरे जल गए क्या है ये फ़्रेंच फ्राइज बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, पटाटो वेजेस जैसे थोड़े बहुत लग रहे हैं और ये थोड़ा सा चिकन फ्राई किया था हमने ये सब परी को खाना है और यहाँ पे थोड़े कूल ड्रिंक्स है तो परी ये अपना मूवी एंजॉय करना चाहती है ये सब खाते हुए हाँ। राइट परी ठीक हाँ। है तो अच्छा लगा आपको ये सब मैंने आपके लिए बनाया तो तो ए गाइस फाइनली हमने मूवी देख ली राधे मूवी हम लोग एक्चुअली ओडीडी प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई है ना तो मैडम के फेवरेट हीरो है उसमें कौन कौन है सलमान खान कौन सलमान खान सलमान खान सलमान <laughs> हाँ। खान वैसे मेरे एक और है पर नाम नहीं पता मूवी से बोलती हूँ जिनको समझ आएगा उनको एक एलोन मूवी जिनको भी पता है एलोन मूवी वो उसमें जो हीरो होता है वो एक पसंद है सलमान खान वही और उस मूवी में जो हीरोइन है वो पसंद है बस मेरे को हीरो हीरोइन में यही पसंद है सो so, आज हमने वो मूवी देख ली राधे हमें तो अगर आप हमसे पूछो कि कैसी लगी मूवी तो मुझे तो बस ठीक है एक बार आप जरूर देख सकते हो ऑब्वियसली बात है ठीक है या ठीक है या मतलब इनके तो भाई फेवरेट एक्टर हैं तो ये तो बोलेंगे ना मुझे मतलब ओके आपको कौन सा एक्टर फिर पसंद है एक्टर की बात नहीं है मूवी की बात होती है तो मुझे बस देखने में मतलब हाँ एक बार ये मूवी को आप देख सकते हो एक बार आप देख लो ठीक है तो घर पे रह के ही हमने मूवी भी देख ली और वो क्या बोलते हैं थिएटर वाला मैडम ने थोड़ा फ़ील भी ले लिया क्योंकि हाँ। मैडम को कुछ ना कुछ खाने को चाहिए रहता है हमेशा और हमने पूरा लाइट बंद किया हाँ तो ये मूवी तो भी देख रही थी लाइट्स ऑफ करके हाँ। तो मतलब इन्होंने पूरा थिएटर वाला फील लिया एक्चुअली तो अभी जैसे करोना में बहुत ही यू you नो know, हम थोड़ा लो फील करते हैं जब न्यूज़ सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता है तो मैं ये सब बातें नहीं करना चाहती वो करोना एंड ऑल तो उससे क्या होता है माइंड में थोड़ा ना नेगेटिविटी से आ जाए आने लग जाती है तो बस अपने आप अपना सराउंडिंग अपने आसपास आ, मतलब ऐसी बातें करो जिससे कि हंसी आए पॉजिटिव वाइब्स आए तो बस इसीलिए वो सब छोड़ो और बस हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम यही कर सकते हैं कि हम अपना ख्याल रख सकते हैं हम घर में रह सकते हैं और इस तरह से मैडम सैनिटाइजर ही नहीं आता हाँ ये सैनिटाइज ही करती रहती हैं दिन भर Uh, दिन भर भी नहीं करते हैं ठीक है hmm, हो गया तो बस फ्रेंड्स हमने एक्चुअली uh, आज का ब्लॉग मैंने इवनिंग में स्टार्ट किया था जस्ट बिकॉज कि मेरे सब्सक्राइबर है। जानते हैं क्यों क्योंकि मुझे इवनिंग में ही टाइम मिलता है और वंस अगेन मैं बोलना चाहूँगी हमारे मुसलमान भाइयों बहनों को फ्रेंड्स को सबको ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ये करना मुझे बहुत अच्छा लगता है ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक आप लोग ये करना अच्छा लगता है आप कुछ भी करो फटाओ हाँ तो बस आप लोग इंजॉय करिए कल ईद है अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए नए नए कपड़े पहनिए ईदी लीजिए और मुझे भी थोड़ा सा दे दीजिए तो यस yes, अरे मेरे, मेरे चैनल को प्लीज लाइक कर दो शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर दो अगर कुछ बोलना चाहते हो तो अच्छा बुरा गंदा अच्छा जो भी हो बोलना जो भी मन करे बोलने का बोल दो तो बस अब हम जा रहे हैं क्या कर रहे हैं है अब हम निन्नी करने जा रहे हैं निन्नी अब हम निन्नी करेंगे और आप भी जाइए अब निन्नी करिए और फिर मिलते हैं कल बाय बाय सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना Subscribe करना रिक्वेस्ट करती हूँ तो सुनते नहीं है क्या करूँ डांट नहीं रही हूं मैं डांटूंगी तो भाग जाओगे आप लोग पता है मुझे प्लीज सब्सक्राइब करना